अस्सलाम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अभी अभी आया हूँ जीपीओ चौक, और ये भाई आए हैं अंडे ले आए हैं। वो हीरे मुर्गे की कल मैं बात कर रहा था, उसके ही अंडे लेके आए हैं 12। तो अभी ये मैं इनसे ले रहा हूँ। किस में रख के लाए, रुई में? टूटा हुआ तो नहीं है कोई? अभी ये इनसे अंडे ले रहा हूँ। एक और भाई को बुलाया, वो भी अडयाला रोड से आ रहे हैं। उनसे 18 अंडे लेने, इनसे 12 अंडे लिए हैं। दोनों असील के ही हैं। तो इंशाल्लाह वो दूसरे भाई आते हैं, उनके साथ भी वीडियो बनाते हैं। बाकी की वीडियो फिर सेटअप पे जाके बनाएंगे जी। माशाल्लाह से दूसरे भाई भी आ गए हैं अंडे लेके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, कोई टूटा छूटा तो नहीं है? नहीं। आपके आटे में डाल के लाए जी? आटे में डाल। चलें बस, ठीक है, 18 पूरे हैं। चलें जी, गुड हो गया। फर्टाइल भी होंगे कि नहीं? ये भाई हैं जी, इनसे एग ले रहे हैं। भाई कौन सी ब्रीड के हैं ये? आपको मैंने तस्वीरें लगे हुई हैं मेरे। असील वाले हैं ना? मियां वाली वाले कंफर्म असील हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जी, शराजी कबूतर अभी अभी वापस आया। अभी अभी ये मैं अंडे लेके आया हूँ, अभी रखे भी नहीं है, और शराजी मेल वापस आ गया। फीमेल, सॉरी। अब इसको किसी तरीके से अंदर लेके आते हैं। इसको पानी इसके सामने डाल रहा हूँ, देख रहा है। ये बिल्कुल मेरे ऊपर बैठी हुई है, और एक ये अंदर बैठा हुआ है। यार मुझे तो यकीन ही नहीं था कि वापस आ जाएगी। कल की अलग ही, उड़ी हुई है कल असर के टाइम की, और आज देखें वापस आ गई सुबह सुबह। परेशानी ये है कि इसको मैं पकड़ूं कैसे। चल जैसे चली जा अंदर, चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा। यही है रास्ता, यही है, यही है रास्ता। ये हिम्मत करे, बिल्कुल रास्ते के पास ही है ये गई। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पैर मेरा पूरा हो गया, वापस आ गई है फीमेल शिराजी वाली। चले जी वापस, हमारे 5 कबूतर हो गए हैं, 3 और 2 5 ये पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारों को मैंने दाना डाल दिया। इनको देखो, ये भी दाने के चक्कर में थे, हाथ में दाना देखते गए हैं, वैसे ये भागते हैं मेरे से, पैरों में आना शुरू हो गए। ठीक है ना? और भूसा भी ले आया हूँ, जिससे भूसा लाया उसके पास भी मुर्गियाँ, वो कह रहा बहुत ज़्यादा भूसा ना रखना, गर्मी है अंडे ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर हैं चौधरी खतीब साहब, वो कह रहे थे कि जी मुर्गियों को अगर आपने अंडों में बिठाना है तो असर के टाइम पे या मगरिब के टाइम पे बिठाना है। तो चौधरी खतीब साहब, इंशाल्लाह जी आपकी बात सुन ली है जी हमने, तो इन्हीं टोकरियों में बिठाएंगे जिनमें ये आई थी, ये वाली। ये मेरे ख्याल से ठीक है, ज़बरदस्त है ये भी, और खुली डुली मूव होंगी चारों तरफ से ना, इजी होंगी। अब भूसा भरते हैं इन टोकरियों में, देखते हैं फिर भूसा नीचे से निकलता तो नहीं है। चेक करें जी, इन्हें भूसा भर दिया, और अब इनमें अंडे रखते हैं। सबसे पहले दोनों ही उठा लेते हैं, हीरे के रखते हैं सबसे पहले। चॉपर में जी हीरे मुर्गे के अंडे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पंद्रह पंद्रह अंडे दोनों के नीचे रखूंगा जी, जरा काम बैलेंस हो जाएगा ना। बारह अंडे ये जो हीरे वाले हैं, और ये वाले अठारह अंडे हैं, ये रेड कलर का मुर्गा था। रैबिट को देखें, पास पास ही आई जा रहा है, ये खाने की चीज नहीं है। चेक करें जी, पंद्रह इधर हो गए, पंद्रह इधर हो गए। हीरे वाले पे काफ और इस तरह की लिखाई हुई है, वो हमें आराम से पता लग जाएगा। अब जी थोड़ी देर सब्र करते हैं और फिर मुर्गियों को बिठाते हैं, और इनको इधर नहीं, इनको कमरे में बिठाएंगे। अभी जी इन दोनों के नीचे एक एक अंडा रखा है मैंने शुगल मेले में, ताकि इनको आदत पड़ जाए, जब ज़्यादा अंडों पे बिठाऊं तो आराम सुकून से ये बैठ जाए, तंग ना करें। ये तो बैठ ही है नीचे वाली, ऊपर वाली ज़रा मुआयना करके फिर बैठेगी। ये देखें मैंने कहा जरा पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये ना हो ज्यादा अंडे हैं खराब ही ना करें, या उन पे बैठे ही ना। फिर इंशाल्लाह इनको शाम मगरिब के टाइम बिठाएंगे, तो वो कल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे किस तरह बैठेंगी ये। अभी ये इस पे बैठ जाए ना, फिर वीडियो को एंड करते हैं। नीचे वाली बैठ गई है, बैठ जा। ये भी बैठ गई है, ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। माशाल्लाह से जी दोनों मुर्गियां जो एक एक अंडा रखा था उस पे बैठ गई हुई हैं, इसका मतलब है कि शाम को ये मसला नहीं करेंगी। तो टर्की मेल को देखें, ये भी अब अपना जो है मुरीद हो गया, ये भी आसपास ही फिरता रहता है, लेकिन बस बहुत हो गया, अभी खुद ट्राई करो। अच्छा, टर्की फीमेल बार बार जाती है जिधर इसने अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन अंडा इसने अभी तक नहीं दिया। और मुर्गियों को देखें बैठी हुई, मुर्गियों को देखें दोनों जो एक एक अंडा है इनके नीचे रखा था उसके ऊपर बैठ गई हैं माशाल्लाह से। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मगरिब के टाइम इनको बैठाना है और वो वीडियो अपलोड होगी कल सुबह 10 बजे। टर्की फीमेल है जी, इसने अंडा नहीं दिया अभी तक, आज नहीं दिया तो कल दे देगी, लेकिन अंडा देगी जरूर। ये डॉन हमारा, ये हमारी बड़ी वाली फीमेल, ये छोटा मेल, एक और भी है यहीं कहीं होगा, ये बल्कि ये मेल है, वो वाली फीमेल है, ये हमारी बड़ी फीमेल है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर वापस आ गया, वो फीमेल उड़ के गई हुई थी, पहले मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि मेल उड़ के गई है या फीमेल उड़ के गई है। वो वाली उड़ के गई थी सुबह सुबह, सेटअप पे आते साथ ही आया हूँ तो सबसे पहले इसी पे नज़र पड़ी है। एक ये ऊपर बैठा हुआ है, डॉन को देखा पीछे पीछे आता मेरे तो। जी तो फ्रेंड्स, आज की ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मुर्गी के अंडे जो मैं लेके आया हूँ, 12 हीरा ब्रीड के लेके आया हूँ,
और 18 और अंडे मिले एक और भाई से, तो वो भी मियाँ वाली असील थे रेड कलर में, 18 वो अंडे लेके आए। दोनों के नीचे 15-15 अंडे रखने हैं। तो मज़ीद अगर कोई मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट जारी रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।